इसमें पिज़्ज़ा बेक होता है, इसको आपको पहले यहाँ पे प्लग लगाना है। प्लग लगाने के बाद में आपको यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना है 50 डिग्री से 300 डिग्री तक, आप जितना चाहिए आप उतना सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसको 150 डिग्री पे सेट किया है। 150 डिग्री सेट होने के बाद में आपको यहाँ पे कॉइल कंट्रोल करना है। कॉइल कंट्रोल मतलब इसको 1 पे करेंगे तो नीचे का लाइट चालू होएगा। नीचे का लाइट मतलब बीच का और लास्ट का आपका कॉइल चालू हो गया। आप इसको 2 पे करेंगे तो बीच का और ऊपर का कॉइल चालू होएगा, और 3 पे करोगे तो तीनों कॉइल चालू होगा, डबल लाइट चालू हो जाएगा। ये कॉइल कंट्रोल इसलिए होता है ताकि जैसे आपको पिज़्ज़ा एक ही बनाना है या दो बनाना है एट अ टाइम, तो आप ऊपर के रैक पे 2 पे रख के आप उसके बीच में बना सकते हो, ऊपर और बीच के कॉइल के बीच में, तो आपका एक लास्ट का कॉइल बंद हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका 1 kW का पावर कंजम्पशन बच जाएगा, और फिर 3 कर दोगे तो तीनों कॉइल चालू हो जाएगा। आई रिपीट अगेन, इसको 0 पे बंद हो जाता है, 1 पे करेंगे तो बीच का और लास्ट का लाइट चालू होगा। अभी ये धुआं निकल रहा है क्योंकि गर्म हो चुका है। 2 पे करेंगे तो ऊपर का और बीच का कॉइल चालू हो जाएगा। 3 पे करेंगे तो तीनों कॉइल चालू हो जाएगा, मतलब आपका डबल लाइट चालू हो गया। और उसके बाद में आपको पिज़्ज़ा बेक करना है। 5 से 7 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा अच्छे से, और आपको अपना पिज़्ज़ा निकालना है। इसके अंदर स्प्रिंग मॉडल है ताकि आपको आपका पूरा हीटिंग बाहर नहीं निकले, अंदर प्रॉपर एक्यूमुलेट हो और आपका काम अच्छे से हो जाए। आगे इधर दिखा दो, पास लेके आओ। ये हिसाब का पिज़्ज़ा बेक होता है, अंदर 2 जाली रहेगा, आपको उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख के बेक करना है अच्छे से। ओके, और फिर यहाँ से आपको खाली जब भी आप बंद कर रहे हो इसको 0 पे कर दो, और फिर ये बंद कर दो, 0 पे करो फिर अपना ये बंद करो। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, जैसा आप जितना डिग्री इसको सेट कर रहे हैं उतना डिग्री तक मशीन गर्म होगा और दोनों लाइट ऑफ हो जाएगा। उसका मतलब आपने जितना डिग्री सेट किया है उतना डिग्री तक मशीन पहुंच गया है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा वापस मशीन चालू होगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा जितना आपने डिग्री सेट किया है। यहाँ पे सेंसर है जिसके थ्रू वो सेंस करता है कितना डिग्री तक मशीन को गर्म होना है। बस इतना आपको यूज़ करना है, हो गया। ओके, चलो, थैंक यू, वेलकम टू रविराज इंडस्ट्री।